अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आप लोगों के लिए लौकी की एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही चटपटी और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेगी। तो चलिए बस इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक कप मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है प्रेशर कुकर में। ऑयल जब गर्म हो जाएगा उसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून ज़ीरा और दो मीडियम साइज की बारीक चॉप की हुई प्याज। इन्हें अच्छे से हमें फ्राई करना है। उसमें डाल देंगे दो हरी मिर्च कट करके और इन सबको हमें लाइट ब्राउन तक होने तक वेट करना है। और इसके बाद डाल देंगे इसमें हाफ टी स्पून से भी कम अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो अदरक लहसुन के पेस्ट की जगह पर डाल सकते हैं बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन, और उसे भी अच्छी तरह से एक दो सेकंड तक सॉटे करना है। और फिर इसमें बीच में देखिए मैंने थोड़ी स्पेस बना ली है, और डाल देंगे इसमें दो टेबल स्पून भरकर बेसन। बेसन को हमें अच्छे से भूनना है। बेसन जब अच्छे से भून जाएगा, उसके कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तब इसमें हम डाल देंगे जो मैंने सूखे मसाले निकाले हैं, जिसमें है एक टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। मिर्च और नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और नमक डालकर इसे अच्छी तरह से एक दो मिनट के लिए भूनेंगे। और थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे मसाले अच्छी तरह से पक जाएँ और जलेंगे भी नहीं। और जब ऑयल सरफेस पर आ जाएगा तब हम समझ जाएंगे कि मसाला हमारा अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम डाल देंगे दो लाल टमाटरों का मैंने पेस्ट बना लिया था, वो पेस्ट डाल देंगे और उसे भी अच्छी तरह से हमें भूनना है जब तक कि ऑयल दोबारा से सरफेस पर नहीं आ जाता। अब देखिए मसाला हमारा रेडी है। इसमें हम डाल देंगे लौकी। मैंने आधा किलो लौकी को कट करके वॉश कर लिया था और मैंने थोड़े बड़े टुकड़े कट किए क्योंकि इसे कुकर में बनाना है। अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो आप इसके टुकड़ों को छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन ये ग्रेवी वाली सब्ज़ी बड़े टुकड़ों में ही अच्छी लगती है। और इसे भी लौकी डालने के बाद हमें मसालों के साथ एक दो मिनट तक अच्छे से भूनना है। और उसके बाद डाल देंगे थोड़ा सा पानी, आधे कप से भी कम, क्योंकि लौकी का पानी भी रिलीज़ होता है। और बस इसे हमें लो फ्लेम पर तीन सीटी आने तक प्रेशर कुक करना है। और प्रेशर और अब प्रेशर खुद से निकल गया है। उसके बाद मैंने जो बचा हुआ पानी उसे हाई फ्लेम पर ड्राई कर लेंगे और इस तरह से लौकी को थोड़ा बहुत मैश कर देंगे। देखिए कितनी थिक और टेस्टी लग रही है ग्रेवी। तो इस तरह से अगर आप लौकी बनाएंगे तो जिसे लौकी नहीं पसंद है वो भी बहुत शौक से खाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।